आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आगरा के जाने माने वरिष्ठ मनोचिकित्सक और मेंटल हॉस्पिटल के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर बलवंत सिंह यादव का निधन होने से चिकित्सा जगत में शोक की लहर है। डॉक्टर बलवंत सिंह यादव 96 वर्ष के थे और अपने आखिरी समय में भी मरीजों को परामर्श देते रहे। डॉक्टर बलवंत सिंह यादव को आगरा के चिकित्सक ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। देखिए, इससे बड़ी हृदय विदारक घटना कोई और हो ही नहीं सकती। डॉक्टर बीएस यादव साहब एक बहुत ही अच्छे मनोचिकित्सक, उसके साथ साथ बहुत ही अच्छे टीचर और उसके साथ साथ बहुत ही अच्छे इंसान, हर समय सहयोग के लिए तैयार रहा करते थे। इतने दुख हुआ है और इस क्षति को शायद कभी पूर्ण भी नहीं किया जा सकता। बस हम लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं को अपने अपने चरणों में उनको स्थान दें और विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। तो डॉक्टर बी एस यादव बहुत बड़े मनोरोग विशेषज्ञ थे आगरा के, और उनका चले जाना आगरा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और मैं भगवान से ये कामना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को ये दुख सहने का की शक्ति दे। ये एक ऐसा लॉस है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। और अभी वो पेशेंट लगातार देख रहे थे पिछले हफ्ते तक। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ लोग 70-80 के साल के बाद ही थकने लगते हैं, उन्होंने इतने लंबे समय तक काम किया, ये एक बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि थी और वो हमेशा याद किए जाएंगे अपने योगदान के लिए। मेडिकल साइंस में जो उनका योगदान है उसके लिए हमेशा याद किए जाएंगे। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। इतने साल तक उन्होंने लोगों की सेवा करी और साइकेट्री के फील्ड में एक एरा का अंत हो गया। कितने ही स्टूडेंट्स उनके पढ़ाए हुए आज देश विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं और उनका नाम रोशन कर रहे हैं। वो अपने मरीज, अपने स्टूडेंट्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते थे और उनको हर एक तरह का हेल्प जो भी होता था मरीजों को या उनके स्टूडेंट्स को दिया करते थे। आज एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया आगरा के चैप्टर में और मेडिकल कॉलेज में। आईपी का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सभी की तरफ से उनको भावपूर्ण विदाई देता हूँ।